हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वॉन्डरिंग अशोका में। और मैं निकल पड़ा हूँ मादा गांव की तरफ, जो कि राजस्थान के पाली मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। काफ़ी पुराने इस गांव में मंगलेश्वर महादेव का मंदिर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्राचीन मंदिर है। और यहां पर बाहर का बड़ा प्रवेश द्वार और परकोटा भी आप देख सकते हैं, जिस तरह से राजस्थान के किलों में परकोटे और द्वार होते हैं। यह है मंदिर के मुख्य आंगन का दृश्य। आप यहाँ की वास्तुकला, स्थापत्य कला देख सकते हैं, जिसमें राजस्थान की शानदार झलक दिखाई देती है। जिस तरह से राजस्थान के किलों और महलों के बाहर हाथी पर बैठे हुए द्वारपाल दिखाए जाते हैं, ठीक उसी तरह इस मंदिर में भी किलों और महलों की तरह ही यहाँ पर भी हाथी, द्वारपाल, बड़े बड़े गेट और परकोटे बनाए गए हैं। यह है मंदिर का अंदर का प्रवेश द्वार। राजस्थानी कला की बनी इस हाथी की मूर्ति को देखिए, कितनी शानदार लग रही है। यह है महादेव का मुख्य मंदिर, मुख्य गर्भगृह। और बाहर की तरफ है नंदी जी की मूर्ति, जिनको प्रणाम करके हम जाते हैं अंदर की तरफ। गर्भगृह की ऊपरी दीवार आप देखिए, कितनी शानदार मूर्तियां लगी हुई है। काफ़ी शानदार तरीके से इसे सजाया गया है और इसके बीच में एक शानदार बड़ा झूमर भी बनाया गया है। महादेव जी के मंदिर की ये वास्तुकला देखते ही बनती है। मंदिर का शिखर देखिए, कितना शानदार लग रहा है। गर्भगृह के अंदर ही हिंदू धर्म के मुख्य देवी देवताओं की तस्वीरें, उनकी लीलाएं भी दिखाई गई है। भगवान महादेव के कई धामों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। भगवान विष्णु की लीलाओं के बारे में भी दिखाया गया है। यह चांदी का किवाड़, जो कि गाँव के लोगों ने यहाँ पर दान में दिया था। यह है मुख्य तालाब की तरफ जाने वाला प्रवेश द्वार। इस तरफ है गांव का मुख्य तालाब, जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना है। यह है इस राजस्थानी गांव का एक जैन मंदिर, जो कि काफ़ी प्राचीन है। राजस्थान के हर एक गांव में आपको यहां पर पुराना तालाब ज़रूर मिल जाएगा, जिसका फ़िलहाल तो पानी पीने के उपयोग में नहीं आ रहा है, लेकिन यहां पर भैंसें ज़रूर नहलाई जा रही है। तालाब के आसपास का ग्रामीण परिवेश आप देख सकते हैं, चिड़ियों की आवाज़ और यहां के गांव की मिट्टी की खुशबू अलग ही लगती है। यहाँ पर गांव के लोगों की सभा चल रही है, जहाँ राजस्थानी ढंग की पगड़ियाँ सबने पहन रखी हैं। ये है गांव का मुख्य भवन, जहाँ पर एक बारात आई हुई है। यहाँ पर आए हुए बाराती और घरातियों के बीच में सभा चल रही है। राजस्थानी तरीके की पहनी हुई पगड़ियाँ, साफे और फेंटे आप यहाँ पर देख सकते हैं, और राजस्थानी संस्कृति की झलक यहाँ पर दिखाई दे रही है। राजस्थान अपने मेहमान नवाजी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर बारातियों का, पर्यटकों का, हर किसी का, हर मेहमान का स्वागत काफ़ी शानदार तरीके से किया जाता है और परंपरागत तरीके से किया जाता है।
यहाँ पर गरातियों द्वारा बारातियों को कुछ उपहार दिया जा रहा है। यह है बारातियों को विदा करते समय की एक रस्म जिसे गुड़छड़ी कहा जाता है।